नमस्कार दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो है कॉपीराइट का, दूसरा स्ट्राइक का और तीसरा रियूज्ड कंटेंट के बारे में ही फुल बात करेंगे। तो वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें भी बताता चलूँगा मैं आपको, जो कि आपने देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर यानी बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे जो टेक के चैनल हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताता। तो आपके बहुत सारे काम की चीज़ें भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत नॉलेजपूर्ण होने वाली हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि YouTube से रिलेटेड हर जानकारी आपको मिलेगी, हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर भी मिलेगा। मैं सबसे रिप्लाई करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर YouTube पर काम करना है तो भाई बड़ा जिगरा लेके चलना पड़ेगा। बड़ा जिगरा इसलिए बोल रहा हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा भाई लोग, ठीक है, क्योंकि एक चैनल हमारा अभी डिलीट हुआ था कुछ दिन पहले, उस पर क्या हुआ था सारी की सारी बात बताऊँगा, कॉपीराइट और रियूज्ड कंटेंट और स्ट्राइक आने के बाद क्या चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं, ये भी सारी की सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। पहले तो ये चीज़ समझनी होगी भाई, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट रहती है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कॉपीराइट अलग मेथड है, उसके बाद स्ट्राइक एक अलग चीज़ है, वहीं तीसरा रियूज्ड कंटेंट ये भी एक अलग चीज़ है। एक ही सिक्के के तीन पहलू और ये तीन प्रकार से आपके चैनल पर आते हैं, इनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट की। कॉपीराइट का बात आ जब हम किसी वीडियो का दूसरे का वीडियो अपन लोग यूज करते हैं, जब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो भाई कॉपीराइट पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए, आपको वीडियो प्राइवेट अपलोड नहीं करना है, ना ही पब्लिश अपलोड करना है। जब हम लोग अपलोड करते हैं तो वहीं अपलोड टाइप का ऑप्शन मिलता है, तो अनलिस्टेड पर अपलोड करना है, उससे क्या होता है उसका भी प्रॉफिट बताऊंगा। तो जब वीडियो को अनलिस्टेड पर अपलोड करते हैं तो क्या होता है कि कॉपीराइट अगर है आपके वीडियो में, दूसरे का मसाला है ज़्यादा, कॉपीराइट जैसे आना है तो अनलिस्टेड पर आ जाएगा, अनलिस्टेड से ही वीडियो को डिलीट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है चैनल के लिए। वहीं अगर आप पब्लिश करके उसे अपलोड करेंगे, जब कॉपीराइट आए तो चैनल पर इफेक्ट पड़ेगा, व्यूज डाउन होगा, इससे होगा लेकिन कम होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध वीडियो पर फर्क पड़ेगा फिर चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपीराइट चाहे जितना आए कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को डिलीट कर देना, जिस वीडियो पर कॉपीराइट आया उसको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा। क्या होता है कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए तब स्ट्राइक आता है, हो सकता है वार्निंग स्ट्राइक आपका पहले ही आ जाए, किसी का मूवी पूरा का पूरा अपलोड कर दिया तो वार्निंग स्ट्राइक आएगा तुरंत का तुरंत। अगर पहले से वार्निंग स्ट्राइक है, 90 दिन के भीतर भीतर आपने दोबारा ऐसा कुछ कर दिया तो स्ट्राइक भी आएगा। स्ट्राइक कैसे आएगा भाई, जब आप पूरा मटेरियल यूज कर रहे हैं दूसरे का तो फिर दिक्कत होता है हमेशा से। तो कॉपीराइट नहीं आएगा, पूरा का पूरा स्ट्राइक आएगा, वीडियो को यूट्यूब डिलीट करेगा अपने तरफ से, तब ऐसी कंडीशन में आपको मोनेटाइज इनेबल करने की कोशिश ही नहीं करनी, अप्लाई ही नहीं करना कि भाई मोनेटाइज हमारा चैनल हो जाए, भले ही आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तब भी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, जो मेरा पहला चैनल था उस पर तकरीबन 100 वीडियो पे कॉपीराइट आया होगा, क्योंकि मैं स्टेटस का वीडियो उस टाइम अपलोड करता था उस चैनल पे। बाद में मैंने लॉन्ग वीडियो क्रिएट करने शुरू किया, बहुत सारे स्ट्राइक वो कॉपीराइट आता रहा, स्ट्राइक नहीं पड़ी थी, तब भी भाई चैनल आराम से मोनेटाइज हो गया। और अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है, 2-3 स्ट्राइक है, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल जब तक डिलीट नहीं होता है तब तक आप उस पर काम करते रहिए, 90 दिन के अंदर सारी की सारी स्ट्राइक हट जाएगी, जिस दिन आई हो उस दिन से 90 दिन के अंदर वो स्ट्राइक अपने आप रिमूव हो जाएंगी। जब रिमूव हो जाए स्ट्राइक आपकी, तब आपको सिंपल सा अपना अप्लाई कर देना है मोनेटाइज के लिए। और यूट्यूब पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपने 100 वीडियो अपलोड कर दी और आपने हार मान ली तो भाई कुछ नहीं होने वाला। आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा चैनल है मेरा, उस पर 850+ सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि अभी तकरीबन 3 महीने में ही ये सब कुछ कंप्लीट हुआ है, और हो सकता है जनवरी लास्ट भी ना हो पाए, उससे पहले ही चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि उस पर कुछ ऐसा किया ही नहीं, कोई वीडियो डाला ही नहीं। बहुत सारे मेरे भाई ये गलती करते रहे कि शॉर्ट वीडियो भी बराबर डालते रहते हमारे लॉन्ग चैनल पर, तो ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, अगर वीडियो लॉन्ग वीडियो चल रहा है तो शॉर्ट वीडियो को नहीं डालना है। ऐसा हो सकता है कि महीने में एक आध वीडियो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आपका शॉर्ट वीडियो चल रहा है चैनल पे, तो फिर लॉन्ग को थोड़ा रोक दो, शॉर्ट को आगे बढ़ाओ, तेज़ी से डालो। इससे क्या होगा कि जब आपका चैनल शॉर्ट फीड में चल रहा है तो उसको शॉर्ट फीड में चलाओ, लॉन्ग फीड में चल रहा है तो लॉन्ग फीड में चलाओ, जिस टॉपिक पर चल रहा है उस पर चलाओ,
समझ रहे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि भाई जैसा चल रहा है उस हिसाब से चलाओ। मेरा वो वाला चैनल मोबाइल पे चल रहा था भाई, तो मैं मोबाइल पे चलाने लगा, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने लगा और ये वाला चैनल मैंने फिर क्रिएट कर लिया। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है तो भाई दूसरे पे चलाओ। जो 4000 सब्सक्राइब वाला चैनल डिलीट हुआ था उस पर बहुत सारी स्ट्राइक थी, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं स्ट्राइक अगर आती है तो स्ट्राइक, 4 स्ट्राइक आने के बाद ही आपका चैनल डिलीट होगा। वो कैसा, भाई पहली स्ट्राइक आएगी वार्निंग स्ट्राइक और 3 स्ट्राइक और चाहिए तब आपका चैनल डिलीट होगा। वहीं जब आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाए, मोनेटाइज होने के बाद आपको यूज्ड कंटेंट आता है उसके लिए बहुत सारे वीडियो हैं, 21 दिन का टाइम लेता है वो कि 21 दिन में अपना अपील वीडियो अपलोड करो। तो भाई ऐसा वीडियो अपलोड करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, 21 दिन का टाइम है, आप 15 दिन ले लीजिए कम से कम। 15 दिन के अंदर पूरे चैनल को छानिए और डिलीट कुछ नहीं करना है चैनल से, ये बात ध्यान रखना है। अगर आपने डिलीट कर दिया, वो बोलता है कि भाई लास्ट मंथ कोई डिलीट वीडियो नहीं होना चाहिए जब अपील करें तब, तो अपील वीडियो शूट करने के बाद उन्हें आप समझा सकते हैं कि भाई ये जो कुछ भी मटेरियल है मेरा है, किसी दूसरे का नहीं है। अपील वीडियो सबमिट कर सकते हैं तो चैनल दोबारा आपका एडसेंस लगा दिया जाएगा, सस्पेंड हुआ एडसेंस दोबारा चालू कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं भाई। और भी मैं आपको कुछ बता दूँ, और आपकी जिस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज है उसी से रिलेटेड वीडियो बनाइए फिर से, मैं गारंटी देता हूँ उससे भी ज़्यादा व्यूज फिर से आएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा है। YouTube पे आप जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे YouTube को, उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 100% गारंटेड बात है। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रिप्लाई मिलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, जो भी कमेंट करोगे उसका रिप्लाई मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए इस पे ही, और ज़्यादा लॉन्ग और डिटेल में चाहिए चीज़ों को, तो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं भाई, इससे भी ज़्यादा बड़ा लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं, 10 से 15 मिनट का भी वीडियो बना सकते हैं, 15 मिनट तक का, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसमें डिटेल से बताया जाएगा भाई क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, कैसे स्ट्राइक काम करती है और क्या वर्क करती है। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।